नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुलकुड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। आज दोपहर 1 बजे के करीब गोंदिया से हीरो होंडा मोटरसाइकिल से नागरा जाते हुए सूत्रों अनुसार राजू बाते 30 वर्ष नागरा निवासी व प्रदीप फतेह उम्र 28 वर्ष, यह दोनों मोटरसाइकिल से नागरा जा रहे थे। टेम्पो से ठोस होने पर दोनों घायलों को गंभीर अवस्था में KTS में भर्ती किया गया। ग्रामीण पुलिस आगे की जांच कर रही है। ऑटो वाले को ठोक दिए। क्या क्या तुम्हारी गाड़ी है? क्या क्या नाम है तुम्हारा? नीरज तिड़के। क्या हुआ? हेलो, उधर कटंगी से 3 आ रहे थे, ऑटो से ठोक दिए, दारू पिए हुए थे। क्या नाम है? माना नाम मालूम है? कुछ आइडिया नहीं है। अभी ये गाड़ी है, नागरा के रहने वाले, गाड़ी उठा के ले जा रहा हूँ मैं, वो आएंगे जक मार के कौन है क्या है बरोबर आएंगे। और वो किसी की मृत्यु हुई क्या? इसमें नहीं मृत्यु नहीं हुई है, चोट लगी है बस। अच्छा, ये ऑटो आपका है? हाँ। अच्छा, वही महाराष्ट्र गोंदिया में सालेकसा दर्रेकसा के बीच मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रेनों का परिचालन हुआ प्रभावित। कल 22 अक्टूबर को इतवारी गोंदिया गोंदिया दुर्ग पैसेंजर ट्रेन की दोनों फेरियां रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया समीप सालेकसा दर्रेकसा रेलवे स्टेशन के बीच एक मालवाहक गाड़ी की वैगन पटरी से उतरने की जानकारी सामने आई। ये घटना शाम के दौरान अपलाइन पर घटित हुई। मालवाहक ट्रेन के वैगन की पटरी से उतरने पर पटरी क्षतिग्रस्त हुई। वहीं इस घटना से अन्य यात्री ट्रेनें प्रभावित होकर देरी से चल रही है। रेल विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि घटना के बाद से वैगन हटाने का कार्य जारी हो गया, वहीं ट्रैक की दुरुस्ती जारी है। ट्रैक में जारी कार्य को देखते हुए यात्री पैसेंजर ट्रेन 08741 424 43 और 44 दुर्ग गोंदिया गोंदिया दुर्ग गोंदिया इतवारी इतवारी गोंदिया, इन ट्रेनों की दोनों तरफ की फेरियों को रद्द कर दिया गया। ये ट्रेन कल नहीं चलेगी। वही महाराष्ट्र गोंदिया में जिले के रावणवाड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत तेड़वा रेती घाट पर अवैध उत्खनन करते हुए 13 ट्रैक्टर व महसूल विभाग ने कार्यवाही की। गोंदिया तालुका के बाघ नदी के पास तेड़वा रेती घाट की नीलामी न होते हुए भी रेती की दिन रात चोरी हो रही। आज गोंदिया तहसील द्वारा इन्होंने रेती घाट पर छापामार कार्यवाही कर 13 रेती से भरे ट्रैक्टर जब्त कर महाराष्ट्र महसूल कायदा के तहत अपराध दर्ज किया, जिसमें गोंदिया पुलिस तहसील कार्यालय के कर्मचारी मंडल अधिकारी तलाठी इनके संयुक्त कार्यवाही होने से और ऐसे अन्य रेती घाट पर रेती माफियाओं द्वारा बिना परमिशन के दिन रात रेती चोरी कर रहे, शासन ध्यान देकर इन पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग जनता ने की। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।